हेलो फूडीज, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्ष्मीज होम कुकिंग में। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन और मटर की एकदम टेस्टी और फटाफट बनने वाली ढाबे जैसी सब्जी। इस सब्जी को आप जब घर में बना के खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। एकदम टेस्टी और 15 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो जाती है। वैसे भी ताज़ी सब्जियों का सीज़न चल रहा है और उसमें खासकर मटर का तो सीज़न है, तो ये सब्जी बनाना तो बनता ही है। तो आइए फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने रखी है। कढ़ाई गरम होते ही यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाल देना है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें, जितनी क्वांटिटी में आपको सब्जी बनानी है उसके हिसाब से आप तेल ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा डाला है। अभी थोड़ी देर के लिए गैस फ्लेम हमें स्लो कर लेना है। जीरा अच्छे से फूलने के बाद यहाँ पर हींग डाल देना है और हींग को भी अच्छे से फूलने देना है। हींग की भी यहाँ पे अच्छे से खुशबू आने लगी है, तो अभी इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कट कर लिया है। अभी इसे आधे मिनट के लिए हमें सौटे कर लेना है। एकदम लाल फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसे फ्राई कर लेना है। प्याज यहाँ पर अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमें अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल जाने तक इसे फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाला है। प्याज के साथ तेल में थोड़ा सा हरा धनिया फ्राई करने से उसका टेस्ट सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। अभी मैंने यहाँ पे गैस फ्लेम स्लो कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू को ऐसे मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया है। सबसे पहले हमें आलू और मटर को पकाना है क्योंकि तेल में आलू जल्दी से पक जाता है। आलू के बाद मैंने यहाँ पे छोटे कप से 1.5 कप कच्चे मटर लिए हैं। आलू और मटर तेल में अच्छे से और जल्दी से पक जाते हैं। अगर आप पानी डालेंगे तो ये जल्दी से नहीं पकेंगे पानी में, बट तेल में ये अच्छे से और कम समय में पक जाते हैं। अभी मिक्स करने के बाद इसे कवर कर लेना है और स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देना है। 2 मिनट बाद आप ढक्कन हटा के आलू और मटर को एक बार ज़रूर चेक करें ताकि आलू हमारे बॉटम में चिपके ना और जले ना। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं आलू और मटर हमारे पहले से सॉफ्ट हो गए और अच्छे से तेल में फ्राई भी हो गए हैं। अभी गैस फ्लेम हमें स्लो ही रख देना है। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। हल्दी डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च मसाला लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच घर का बना हुआ तीखा मिर्च मसाला लिया है। सारे मसालों की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला का टेस्ट इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। अभी गैस फ्लेम स्लो रख के ही हमें इन सारे मसालों को अच्छे से तेल में भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। आप चाहे तो इस स्टेज पे थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच पानी डाल के मसालों को भून सकते हैं। पानी डालने से मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से पक जाते हैं और फ्राई हो जाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर एकदम बारीक कट कर लिए हैं। टमाटर आपको एकदम ताजे और पके हुए लाल टमाटर लेना है। अब इन टमाटर को इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। टमाटर को हमें ज़्यादा सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना है, सिर्फ मसालों में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप अच्छे से पके हुए और लाल टमाटर लेंगे तो इन्हें पकने में टाइम नहीं लगेगा। और बाद में हम लोग यहाँ पर बैंगन डालने वाले हैं, तो बैंगन भी हमें यहाँ पर पका लेना है, तो उसके साथ टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। मैंने यहाँ पर बैंगन को ऐसे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है और पानी में अच्छे से भिगो के रखा है ताकि ये काले ना पड़े। अभी यहाँ पे हमें सारे बैंगन डाल देना है। मैंने यहाँ पे 1/2 kg के करीब बैंगन लिए हैं। आप बैंगन की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इस सब्जी में लंबे टुकड़ों में कटा हुआ बैंगन दिखने में भी अच्छा दिखता है और खाने में भी अच्छा लगता है। बैंगन डालने के बाद यहाँ पर हमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल देना है। नमक डाल के सब्जी को हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। टमाटर को मैंने यहाँ पे पहले अच्छे से सॉफ्ट होने तक नहीं पकाया है क्योंकि बैंगन को भी पकने में टाइम लगेगा, तो टमाटर बैंगन के साथ अच्छे से पक जाएंगे धीरे धीरे। सब्जी यहाँ पे हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। बैंगन भी हमारे मसालों के साथ अच्छे से कोट हो गए हैं। अभी 5 मिनट के लिए हमें इसे कवर करके स्लो गैस पर पकाना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि बैंगन से ही सब्ज़ी में पानी छूटने लगेगा। आप देख सकते हैं सब्जी में तेल और पानी दोनों छूट गया है और बैंगन भी पहले से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस सब्जी में शुरुआत में हमें पानी नहीं डालना होता है, सिर्फ तेल और सब्जियों से जो पानी छूटता है उसमें ही इसे हमें पकाना होता है। ये पहले से ज़्यादा बैंगन हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं और इसे थोड़ा सा चम्मच से दबा के देखेंगे तो ये इजीली दब जा रहे हैं, मतलब ये आधे तरीके से पक चुके हैं।
अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हमारा टेस्ट मेकर कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी की जगह आप चाहे तो हरी मेथी भी ले सकते हैं, जो इजीली आपके किचन में और आपके घर में मिल जाती है इस सीजन में। कसूरी मेथी डालने के बाद हमें सब्जी को एक बार मिक्स कर लेना है और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए से ऐसे ही पका लेना है मिक्स करते हुए। कसूरी मेथी का टेस्ट इस सब्जी में हरी मेथी से ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है। और इस सब्जी में सेम ढाबे वाले आलू बैंगन वाली सब्जी का टेस्ट आता है। अभी 2 मिनट हो गया है, मैंने सब्जी को मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो इस सब्जी को 5 मिनट और पका के बैंगन को थोड़ा सा और सॉफ्ट करके भी खा सकते हैं। ऐसी सूखी सब्जी भी बहुत ही बढ़िया लगती है रोटी और चपाती के साथ। बट मैं यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाल के इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाल दिया है। अभी गैस फ्लेम हमें हाई पे रखना है। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ भुने हुए सेंगदाने का पाउडर। आपको अगर पसंद है तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। बट इस आलू बैंगन की सब्जी में सेंगदाने का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सेंगदाने का पाउडर डाल दिया है। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम लोग सब्जी मिक्स करते जाएंगे और सब्जी पकती जाएगी, सेंगदाने के पाउडर की वजह से ग्रेवी में थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी पहले से गाढ़ी हो गई है। इसी तरह से हमें ग्रेवी को पका लेना है। अभी इससे ज़्यादा हमें ग्रेवी पकाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही सब्ज़ी ठंडी होती जाएगी ग्रेवी और भी ज़्यादा गाढ़ी होती जाएगी। तो अभी इस स्टेज पे हमें गैस फ्लेम बंद कर देना है। सबसे लास्ट में हमें डाल देना है सबका प्यारा और दुलारा हरा धनिया। बैंगन की सब्ज़ी में जितना ज़्यादा आप हरा धनिया डालेंगे उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट आता है, और मुझे तो हरा धनिया सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं भर भर के डालती हूँ। आप इस सब्जी को रोटी, चपाती, नान या भाकरी के साथ खाएं, सभी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इस सब्जी को अगर टिफ़िन में देंगे तो टिफ़िन आपका कभी वापस नहीं आएगा और बार बार इस सब्जी की डिमांड आती रहेगी। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और इसके स्वाद का मज़ा उठाएं। जिस सब्जियों का सीज़न चल रहा है वही सीज़न में सब्जियां बना के खाया जाए तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाकी सीज़न के कंपेरिजन में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दिया है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, उससे आने वाली नई रेसिपीज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और साथ में इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हमारे नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।